आप? आई होप चेहरे का शाइन दिख रहा है आपको। दिख रहा है सर, ये देखिए सर, मेहनत ये देखिए सर, अरे वही है बस। पाइपलाइन में इशू आ सकता है, ज्यादा मैं शूट कर रही हूं। रेडी प्लीज। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, ट्रेलर देखते ही लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है आपका किरदार, साथ ही किस तरीके का ये सीरीज मूवी है, प्लीज बताएं। तो ये एक कहानी जो है आपको ट्रांसपोर्ट कर जाएगी कई साल पहले। एक फील गुड प्रोजेक्ट है हाफ पैंट्स फुल पैंट्स, और जैसा मैंने ट्रेलर देखा है, पता है आपको जब पहले एक नरेशन मिलती है उसके बाद आप सोचते हैं जब आप बना रहे होते हैं कि क्या वो चीज़ वैसे बनेगी। कभी मैंने एक्चुअल पूरा नहीं देखा है, बट जस्ट जो मैंने ट्रेलर देखा, मैंने VKP को फ़ोन किया, मैंने कहा VKP यू हैव क्रिएटेड व्हाट यू प्रॉमिस्ड, तो रियली एक्साइटेड। और सालों बाद मुझे कोई ऐसा रोल मिला है जिस तरह का रोल मैंने हाफ पैंट्स फुल पैंट्स में किया है, सो आई एम रियली ग्रेटफुल। एंड एज एन एक्टर, एक तरह से होता ना कि आपको आपको बांध दिया जाता है कि आप सिर्फ इस तरह के किरदार खेल सकते हैं। सो एम वेरी हैप्पी दैट VKP एंड द OML टीम थॉट ऑफ मी इन दिस कैरेक्टर, सो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव डन दिस। आनंद सस्पी, आनंद सस्पी की किताब है ये जिसके ऊपर उन्होंने बनाया, और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने इसके नाम को बदला नहीं। पहले बीच में उन लोगों ने सोचा था कि इसके नाम को बदल देंगे, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट दे हैवंट। तो ये कहानी एक छोटे से इलाके के एक बच्चे की है, और मज़ेदार बात है कि उस बच्चे ने बड़े होकर इस कहानी को लिखा है। तो आपको इसमें ना कुछ बचपन की यादें, किसी की पर्सनल बचपन की यादें आपको सुनाई देगी, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि यार यार मैं भी अपनी कहानी लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। दरअसल मैं अभी पहुंचा हूं, तो मुझे पता नहीं कि अभी क्या क्या आए हैं, लेकिन अभी मैं सुन रहा हूं कि कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, लोगों को पसंद आ रही है चीज़, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपका कोई भी किरदार लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, तो आपके कई विलन के कैरेक्टर भी हो, अभी आप इसमें? हाँ, मैं वैसा दिखता हूँ जिसने काफ़ी सारे विलन के रोल्स किए हैं। जी जी जी, तो आप आगे किसी ऐसा आपका कोई ड्रीम रोल है कि मुझे ऐसा किरदार? अगला रोल जी, अगला रोल मेरा ड्रीम रोल है, अगला रोल जो भी मिलेगा। तो एक अभिनेता के रूप में आप प्रोफेशनली काम करते हैं, और आप जो प्रोफेशनल एक्टर होता है ना दोस्त, ये एक अच्छा सवाल है आपका, लेकिन उसका जो जवाब होगा हर एक्टर के लिए वो ये है कि वो जब उसको एक काम मिलता है, वो अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन वी गेट आवर नेक्स्ट जॉब, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको बहुत अमेजिंगली करें। ऐसे ही करते करते मैंने कोई 250 फिल्में कर ली हैं, यू नो द नेक्स्ट जॉब नेक्स्ट जॉब। और इस साल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अगले 4 महीने में मेरी कोई 6 अलग अलग रिलीजेज आएंगी। आज मैं बात कर रहा हूँ हाफ पैंट्स फुल पैंट्स की, और मैं इस रोल के बारे में आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इस किस्म का किरदार मैंने नहीं किया है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस नए अंदाज़ में मैं खुद अपने आप को बहुत सालों बाद देखूँगा। अमेजिंग अमेजिंग। तो मैं पूरे भारतवर्ष में बहुत घूमा हूँ अपने काम को लेकर, और ख़ासकर दक्षिण में, लेकिन जहाँ पर इस बार वो लोग हमको लेकर गए शूट करने, सकलेशपुर नाम की वो जगह है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस सीरीज़ को देखें, और इमीडिएटली अगर हो सके तो दिसंबर में ही चले जाएँ आप लोग। यू नो सकलेशपुर इज़ अ प्लेस टू गो, इट इज़ अ ड्रीमी प्लेस। वो बंगलुरु से 5 घंटे दूर, मैंगलोर से 2.5 घंटे दूर। मैं बात करना चाहता हूँ, सकलेशपुर इज़ एन अमेजिंग प्लेस। ये मत सोचिए कि स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, मैं कहता हूँ प्लीज़ मत बोलो, कहो वेलकम टू सकलेशपुर। और सकलेशपुर में इस जगह को शूट किया गया है, इस पूरे प्रोजेक्ट को, और एक ऐसा क्वेंट और ओल्ड वर्ल्डली चार्म है जिसको आप देखेंगे इसमें भी। और इस सीरीज़ में जो कैद आप देख रहे हैं इमेज, उसके बाहर इतना खूबसूरत है क्या बताऊँ। तो आई एम रियली एक्साइटेड कि किस तरीके से वो जो क्वेंट रेलवे स्टेशन, और ये रेलवेज की कहानी है, तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस। जी, ये साल बहुत अच्छा रहा, उम्मीद है कि अगला साल भी अच्छा रहेगा, न सिर्फ मेरे लिए सबके लिए। बंधु एक चीज़ साफ है कि हर नया साल एक नई उम्मीद जगा कर लाता है हम सबके लिए, हमको उस उम्मीद पर, उस उम्मीद को कायम रखना है और उस उम्मीदों को पूरा करने में जुट जाना है। लास्टली क्रिसमस आ रहा है,
क्रिसमस नियर बाय है और एज वेल एज न्यू ईयर, क्या कुछ विशेस आप देना चाहेंगे सबको? मैरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. हैव एन अमेजिंग वन डियर फ्रेंड्स. रिमेंबर वन थिंग, द न्यू ईयर विल बी ग्रैंड. इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू दैट यू सी द ब्राइटनेस इन एनीथिंग. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. थैंक यू फॉर कमिंग. चद्दा खुशी है कि आज आप सब लोग आए हो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हाफ पैंट फुल पैंट्स ये हमारी सीरीज़ अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ हो रही है. ये आनंद सुस्पी सर ने लिखी हुई एक नावल है इसी टाइटल की, इसी शीर्षक की, हाफ पैंट्स फुल पैंट्स. और जब इसकी कोई फिल्म बनाने वाले थे या सीरीज़ बनाने वाले थे तो एक बहुत अच्छा नाम पूरी टीम को याद आया था, वो था वी के प्रकाश सर. वी के पी इसके निर्देशक हैं और मुझे नहीं लगता कोई और अगर डायरेक्टर होता तो वो इतना अच्छे से ये कहानी बता पाता, क्योंकि वी के पी खुद सदर्न इंडिया को बहुत अच्छे से जानते हैं, काफ़ी सारी फिल्में कर चुके हैं, फिल्मों से प्यार करते हैं, वेब शोज से प्यार करते हैं, खुद एड फिल्म मेकर हैं और पैन इंडिया के सारे राइटर्स एक्टर्स को जानते हैं, अलग अलग लोकेशंस को जानते हैं. और वी के पी सर में जो एक उन खुद में जो एक प्यार है या वॉर्म्थ है वो इस कहानी बताने वाले में बहुत ज़रूरी थी. तो आनंद सुस्पी ने जिस प्रकार से इस बुक में, मेरे पास साइंड कॉपी है बाय द वे इस किताब की, आनंद ने जिस प्रकार से ये कहानी लिखी है इसमें कोई उपदेश नहीं है, इसमें कोई मायूसी या दुख दर्द नहीं है. एक एक बचपन है जो खिलता है और जो उभरता है हाफ पैंट से लेके फुल पैंट तक. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस पूरे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा हूँ. मुझे आशीष सर के साथ काम करने का मौका मिला और मुझे अश्वथ के साथ काम करने का मौका मिला. हमारा टाइटल रोल जो निभाता है आनंद, जिसे हम डब्बा बुलाते हैं प्यार से, वो एक बेहतरीन एक्टर है. छोटा सा है हमारा अश्वथ, लेकिन मतलब आई कॉन्ट टेल यू, इट वॉज़ अ प्लेजर वर्किंग विथ हिम. उसकी मदर टंग तमिल है लेकिन वो अलग अलग भाषाएं बोल पाता है, बहुत अच्छा मेमोराइज भी कर लेता है. तो जितना अच्छा पावर हाउस आशीष सर के साथ काम करना अच्छा लगा, उतना ही मज़ा आया अश्वथ के साथ काम करना. मैं डब्बा की माँ हूँ और एज एन एक्टर कभी कभी लगता है कि आपको इंडस्ट्री को प्रूव करना है, आपको अपने आप को प्रूव करना है कि आप अच्छे एक्टर हो. तो मीटी रोल्स चाहिए होते हैं जहाँ पे आप गुस्सा दिखा पाओ और रोने धोने का सीन हो या बहुत सुंदर दिखने का सीन हो. इस पूरे सीरीज़ में जो मेरा किरदार है वो बहुत ही ओरिजिनल है, जो देख के हमें शायद याद आएगी किसी किताब की, किसी हमारे रिश्तेदार की, कि हाँ उनमें कुछ प्योरिटी थी, उनमें कुछ अपनापन था, उनमें कुछ मैलिस नहीं था मन में. तो ये कैरेक्टर जो है मेरा वो बिल्कुल वैसा है कि घर में एक कोई ट्रूथफुल इंसान ऐसा होना चाहिए
जिसके मन में प्यार के अलावा कुछ और है ही नहीं, तो मैं काफ़ी दिनों बाद किसी एक रोल में इतना कंफर्टेबल हुई थी कि मतलब मुझे उसी रोल में रहना था, मुझे वापस ही नहीं आना था अपनी ज़िंदगी में, ना मुझे ट्रैफिक जैम चाहिए था, ना मुझे कोई चिंताएं चाहिए थी डेट्स की, बैंक की, पैसों की, समय की। इतना सहज सुंदर काम था और हमारे शूटिंग में भी वो यूनिटी बनी रही और आई एम वेरी हैप्पी OML ने ये सीरीज़ बनाई है और Amazon Prime अभी दिखा रहे हैं। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, काफ़ी बोला क्या मैंने? नहीं, थक गए होंगे तुम्हारे हाथ। अब तक के जर्नी में बहुत सारे किरदार निभाए हैं, ऐसा कोई किरदार जो अब तक ना निभाया हो और निभाना पसंद करती है? एक तो था हाफ पैंट फुल पैंट्स का किरदार, और अगर पूछती हो कि आगे जाके मुझे क्या करना है, तो मैं ना एक स्पोर्ट्स वूमेन रह चुकी हूँ मेरे लाइफ में। मैं रनर हूँ, जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तो मैंने एथलेटिक्स काफ़ी किया है, तो मुझे स्पोर्ट्स को लेके कुछ ना कुछ रोल निभाना है। मैं एक ट्राइथलनिस्ट हूँ, मैं ट्राइथलॉन्स करती हूँ, तो फिटनेस के ऊपर काफ़ी ध्यान देती हूँ। मैं खो खो टीम में थी, मैं डॉजबॉल टीम में थी, बास्केटबॉल खेलती थी, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये काफ़ी सारे गेम्स थे जिनमें आगे मुझे कुछ काम करना था, लेकिन मैंने मेरा प्रोफेशन चूज़ किया कि मैं एक्ट्रेस बनूँ। अब प्रोफेशन ये चूज़ किया है, लेकिन मन में वो सारी चीज़ें हैं जो सीखी थी, जो स्किल्स थे मेरे मुझ में। तो अगर किसी स्पोर्ट्स के ऊपर फिल्म बनती है और मुझे वो किरदार मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही यह एंडिंग है और लोग ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आपके और भी नए प्रोजेक्ट्स उन्हें देखने मिलेंगे, एनी सरप्राइजेस फ्रॉम योर साइड? काफ़ी सारा काम चल रहा है मेरे, मेरी धारावी बैंक नाम की सीरीज़ अभी रिलीज़ हुई, अब है हाफ पैंट्स फुल पैंट्स, उसके बाद आएगी अपूर्व लाखिया की ट्रैकडाउन 2, ओल्ड बॉय, सितारा नाम की फ़िल्म है, टिब्बा नाम की फ़िल्म है, और एक फ़िल्म है जिसका नाम है जो तेरा है वो मेरा है, थोड़ा मराठी काम भी है, और एक दो सीरीज़ में भूल रही हूँ, मुंबई डायरीज़ का सेकंड सीज़न आ रहा है, बहुत काम है। तो अगले 2 साल में जितना शूटिंग करूँगी उसके साथ साथ मुझे प्रमोशन के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 10 प्रोजेक्ट्स और हैं जिन पर काम चल रहा है, जो कुछ कम्प्लीट हो चुके हैं, रिलीज़ के लिए रेडी हो रहे हैं। क्या हम आपको और भी कोई रियलिटी शोज में देख सकते हैं? एक बहुत अच्छा रियलिटी शो चल रहा है जिसका नाम है लाइफ, वो बहुत एंजॉय कर रही हूँ, अब देखते हैं, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़रूर कंसिडर करेंगे। लास्टली सभी के लिए क्रिसमस एज वेल एज न्यू ईयर विशेस फ्रॉम योर साइड टू ऑल द व्यूअर्स। हाय, आई एम सोनाली कुलकर्णी एंड आई विश यू मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, थैंक यू सो मच, लवली क्वेश्चन। आजा आजा अशोक आजा।
आती है। आजा बच्चा, सब लोग आ जाए एक साथ उड़ा दो, सब लोग हाँ सब लोग एक साथ उड़ा दो, आ जा बोलो। नॉट टिकलिंग अभी इधर देखो। थैंक यू। अभी इधर देखो। जरूर देखते हैं यहाँ पे स्कूल में। यार ये इधर ओके। मैं क्रॉस कर रही हूँ, सॉरी। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस शूट में। सबसे बेस्ट पार्ट क्या था होल शूट? मेरा गाड़ी नहीं यार, जब डब्बा गुम जाता है तब डब्बा के दोस्त मुझे ढूंढ के आते हैं, कॉन्वेंट के दोस्त। तब मेरे को धक्का मार के थ्रेटन करके पूछते डब्बा कहाँ है बोल, डब्बा कहाँ है बोल, तब मैं रोना शुरू करता हूँ। वो सीन मेरे को बहुत पसंद आया। और ये बताओ कि सबसे फेवरेट कौन था तुम्हारा ड्यूरिंग दिस शूट? डब्बा। ए मेरा नाम बोलना नहीं, कैरेक्टर पूछा ना। क्या कौन बोला कैरेक्टर पूछा? स्वयं भैया और वीके पिसर। हाँ ऐसा बोल, आई स्वयं फर्स्ट है, मेरा सेकंड है। क्या यार तू, तेरे को मैं सीन पूरा काटेगा। इट्स टू नाइस, आई सॉ, आई डिडंट सॉ, आई वांट टू सी इन द बिग स्क्रीन, बट इन द शूटिंग आई सॉ इट्स, इन द शूटिंग इट्स टू नाइस। After watching the trailer, what was the reaction of your friends and family? Trailer pathadana sonra. It's too funny. Yaar funny, nee funnya, serious funnya? Nanu. What was the best part for you? The whole series is best part for me. That's an amazing answer. What you would like to say to all your fans who are watching? Please see this web series. It is in Amazon Prime. It's too good. It will memories your 80s kid. My name is Shreya. I'm in this web series. This is an awesome series. This I like too much because this is such a good opportunity that VK Prakash sir gave. कौन बोला तेरे को ऐसा बोलने को? मैं खुद से बोल रही हूँ. That VK Prakash sir gave me. It was awesome series. I'm very excited to see one more time this series because I watched this series early. At 5 o'clock, just series came I watch. So please watch this series, everyone, on Amazon Prime Video. Please watch this. Thank you. Let's do it. So please. What? Let us know about the series. No, it's a very beautiful series. It's a book based on Suspice book. We are very old advertising friends, so very good book. So the moment I read the book, I wanted to make this as a film, more a film first started. Then I shifted to series, and then with OML's help we could pitch it to Amazon and they loved it, and we made the series as authentic as possible for 80s. Then superb actors we have got, fantastic location we have got, and fantastic DOP I have got, fantastic editor I have got, so I don't have any work. That's it. So Suspice the writer. Yeah, so this is a book that's based on my childhood, which was set in a small town in the 80s and 90s in Karnataka. So all the names are real, all the incidents are real, so all the characters are real, all my childhood friends, they're still there, everyone's now in their 50s. But all the names are real, and that's what, and we've carried that forward in the series as well. I mean, there are so many people to thank because it's a long journey, and it's not every day, it's not that easy that a book, and that too in the current OTT scenario where there's so much drama, action, whole lot of other genres get picked up, for a book which is about nostalgia and set in a small town and about kids, it's not something that gets picked up easily. So it's taken a long time,
have to thank VKP. For 5 years he's been living this dream. He said that I want to make this, and for 5 years, together with a lot of help from VKP, and he's kind of pitched it to so many people. And finally OML got interested in it, and you know, together as a team, thankfully Amazon picked it up. So it's a great feeling to, it's actually, I mean, for the viewer, it is their story, it's their childhood story. While the names are, you know, different, and it's my story that actually happened, it's just, it's a universal story of every child. जैसे कि अभी आपने बताया, बहुत जो ये रियल स्टोरी है वो लोग आज 50s के हो चुके हैं. हाँ. तो फिर उन्होंने जब ट्रेलर देखा, उन सभी का रिएक्शन कैसा था? उनका रिएक्शन ऑब्वियसली, अ लॉट ऑफ देम हैव काइंड ऑफ गॉन मेंटल, एंड दे आर ऑल नाउ दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी, बिकॉज़ नोबडी वुड हैव एवर थॉट कि उनका असली नाम एक दिन स्क्रीन पे आएगा. नोबडी एवर इमेजिनड और यू नो never thought about it. So it's a beautiful feeling, it's a wonderful feeling. Today most of their kids are 18 and 19, and they're sitting and watching with their parents. They would have never thought that their father's names would appear on screen. So right. Well, lastly, Christmas is near by, as well as New Year is going to come. A wish to all the viewers. Yeah, you should do. Come. Happy New Year and happy Merry Christmas. Thank you. चलेंगे भाई. आशीष सर, सोनाली मैम, एंड अश्वथ सर. अश्वथ सर, आई डोंट सी हिम राइट हियर. Can I also ask the shy OML team, right? May I request Suspi sir to also come? Please, please. Of course, sir, it's your story. Come on. 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 All the kiddos are here. Come, come. All of them here. They're growing. Not all the kiddos. And can we have Mr. Tabadia? Mr. Tabadia, swagat hai, swagat hai. Come. Deepak kidhar hai? Deepak. Yeah. Manisha. Deepak and Manisha. Come on, please. Sir. Sorry. Yeah. Just 1 second, guys. Take another minute. I don't see Deepak, sir. Deepak. Where is Deepak? Deepak. Where is Pusha? Deepak and Manisha. 18. Finally, the shy people are coming out. Are you hero? Dasha? We are missing our DOP, Jim Ganesh, but he's not here. Sadly, he's not here to make it today. Where is Deepak and Manisha? Hello? Manisha, come on. Smiling. जल्दी आने का एक मिनट बीच में शॉर्ट ले. हाँ, ले लो. प्रोडक्शन जैसे लेट आता है. आई एम जस्ट वंडरिंग, दिस इज ओएमएल टीम, इज इट? यस यस. ये लेफ्ट साइड हेवी हो रहा है, इधर भी आओ. सर मैं हूँ. हाँ, ओके. ये किधर हो गया? प्रोडक्शन में सोचा ये रिलीज में भी लेट आता है यार. एकांश, Ekansh is being pushed. Yeah, come. Where is he? Why is what? Quickly, bro. Photo mil raha hai, to close kara lo. Close kara lo, ek aage bitha lo. Number. Mil raha hai photo. Ha, chal mil raha hai. Deepak sir. Deepak kidhar hai? Deepak kidhar hai? Deepak kidhar hai? But why don't you greet the team? Yeah. Yeah. Welcome. Doshan. So it's a very nice feel, because first time is my first Hindi web series. Woohoo! I love to make cinema. So this is another journey for me. And all the crew and cast. For him, language no bar, medium no bar. Yeah, I don't need it. No bar. But I don't go to bar. So it's all a nice feel, great. I'm feeling good. Could you please let him? And also nice reviews are coming on this thing, trailers and all.
So I'm sure that the show will do well. Swagat hai, swagat hai. So I think it's all wonderful feel. All thanks to cast and crew and especially to OML because they are the ones who made it make it happen. Yes. So I think it's superb. Three cheers, OML! Chalo. All right.